बच्चों, अगर आप इस वीडियो के अंदर थंबनेल को देखकर आए हैं कि 5 रुपए में मैथ्स के फॉर्मूले कैसे याद किए जाएं, तो बिल्कुल सही आए। मैं आज आपको मैथ्स के जितने भी फॉर्मूले हैं इस यूनिवर्स में, जितने भी मैथ्स के फॉर्मूले हैं वो 5 रुपए खर्च करके हम याद करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि 5 रुपए आप मुझे देंगे, 5 रुपए मुझे नहीं देना, बस 5 रुपए का मार्केट में जाके आपको एक ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा सामान लेके आना है जिससे आप मैथ्स के फॉर्मूले याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बताता हूं उस प्रोडक्ट का नाम और किस तरह से उस प्रोडक्ट को यूज करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके पास में 5 रुपए होने चाहिए और मैथ्स के जितने भी फॉर्मूले हैं उनके वीडियो मैंने बना रखे हैं। अगर आपको नहीं पता कि मैथ्स के कितने फॉर्मूले होते हैं, जैसे आप क्लास 9th में हैं तो जितने भी क्लास 9th के फॉर्मूले हैं उनका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए। जितने भी क्लास 10th के फॉर्मूले होंगे मैथ्स के वो सारे अपलोड कर दूंगा, 11th के, 12th के, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलों का वीडियो मैं अपलोड करूंगा, लेकिन वीडियो अपलोड करने से क्या होगा जब वो आपको याद ही नहीं रहते, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं रहते, फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो आप मैथ्स में क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। नो डाउट कि हमें वो क्वेश्चन आता है लेकिन उस क्वेश्चन का फॉर्मूला हमें नहीं पता है इसलिए हम वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। तो चलिए बच्चों मेरे साथ करते हैं आज के इस वीडियो में सारे फॉर्मूलों को लर्न। फॉर्मूले लर्न करने की मैं आपको एक ट्रिक देता हूं। सबसे पहले आप मार्केट में जाइए, ठीक है, मार्केट में जाएंगे, दुकानदार से 5 रुपए का एक व्हाइट पेपर आता है इतना बड़ा, ठीक है, एक व्हाइट पेपर लेके आइए 5 रुपए का, ठीक है। फिर भी वो जब आप पेपर लेके आते हो घर पे, उसके बाद में आपको करना क्या है, आपको करना है मैथ्स के जितने भी फॉर्मूले हैं बुक्स में मिल जाएंगे और जो गाइड आती है उनमें आपको मिल जाएंगे, और यहां पर भी आप नहीं ढूंढ पाते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसके ऊपर जरूर 9th और 10th का दोनों के मैथ्स के फॉर्मूले यहां पे अपलोड करने वाला हूं वीडियो, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो, वरना तो बुक्स में मिल जाते हैं मैथ्स के सारे फॉर्मूले जो जो आपको रिक्वायरमेंट रहती है अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज, अकॉर्डिंग टू चैप्टर, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ठीक है, जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको मैथ्स के फॉर्मूले मिल जाते हैं। लेकिन आप नहीं ढूंढ पाते, नहीं पता है आपको, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि सर हाँ वो मैथ्स के फॉर्मूले का वीडियो आप डालिए जो आप उस वीडियो में बता रहे थे, ठीक है। ऐसा कमेंट नहीं लिखना, जो आपकी मर्जी है जिस तरह से आप लिखना चाहते हैं, बस मुझे पता चल जाए कि भाई हाँ बच्चों को फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है आपको, 5 रुपीज का एक पेपर आएगा, वो पेपर लीजिए, उस पेपर के ऊपर जितने भी फॉर्मूले हैं मैथ्स में या फिर जो भी मैंने वीडियो में फॉर्मूले बताए हैं या फिर जो एक्सरसाइज में आपको काम में आ रहे हैं कि भाई हाँ इस एक्सरसाइज में, जैसे देखिए एक साथ में मैं आपको बोल दूं कि 1000 फॉर्मूले एक साथ में, मान लीजिए देखिए क्या है, 1000 फॉर्मूले की मैं बात कर दूं, जैसे ये 1000 फॉर्मूले है, ठीक है, तो इन 1000 फॉर्मूलों को क्या आप एक साथ में याद कर सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अकॉर्डिंग टू चैप्टर, जैसे फर्स्ट चैप्टर हो गया, क्लास 9th की बात कर रहा हूं और क्लास 10th की बात कर रहा हूं, 11th की भी और 12th की भी समझ लीजिए, जो जो बच्चे जिस क्लास में है वो अपने अकॉर्डिंग कीजिए, क्योंकि मैथ्स के मैथ्स तो सभी जगह चलती है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको वहां पर भी फॉर्मूले लर्न करने होते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, जैसे आपको एक चैप्टर है फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जैसे मैं बात कर दूं 9th क्लास की, तो वहां पे है नंबर सिस्टम, और 10th की बात कर दूं तो रियल नंबर, ठीक है, ये दो चैप्टर हो गए। अब इन दो चैप्टर के जैसे 9th वाले बच्चे हैं उनको फॉर्मूले लर्न नहीं हो रहे, तो वो क्या करेंगे, इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं या जो भी फॉर्मूले, इंपॉर्टेंट को छोड़ो, जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले निकालो, निकाल के उस व्हाइट पेपर पर राइट कर लो, ठीक है, अच्छी अच्छी हैंडराइटिंग में, और जिस बेडरूम में आपका जो बेडरूम है, स्टडी रूम की बात नहीं कर रहा मैं, स्टडी रूम में तो आप स्टडी करते हैं, आपका जो बेडरूम है उसमें, आपका जो बेडरूम है और आपका जो बेड है, ठीक है, जैसे आपका मान लीजिए कोई भी बेडरूम है किसी भी दिशा में है, वो दिशा वैसे यहाँ पे नहीं चलेगी क्योंकि हम कोई साधु महात्मा नहीं है, ठीक है ना, तो आपका जो बेडरूम है उसके जस्ट सामने वाली दीवार पर, जैसे आप अगर इधर आपका मुंह है, आप सोते वक्त आपका जो
चेहरा है वो इधर रहता है, मतलब आपके सामने की साइड में, वीडियो के सामने की साइड में रहता है, तो आप उसके सामने चिपका लीजिए, उसके ऊपर फॉर्मूले लिख के उसके सामने चिपका लीजिए। आपको लाइन नहीं करने फॉर्मूले, आपको बस क्या करना है, जब भी आप आओ खाना वाना खा के, सोने का हो गया कि भाई हाँ अभी सोएंगे, सोने से 2 मिनट 5 मिनट पहले आप उन फॉर्मूलों को रीड कीजिए। रीडिंग करना है, बस रीडिंग करना है, रीडिंग करके सो जाओ। आपको ये काम केवल 30 दिन तक करना है, और मेरा यकीन मानिए कि 31वें दिन आप जो हैं सारे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे, जो जो आपने उस पेपर पे लिखे थे वो सारे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे, और लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे, ठीक है, लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। और फिर दूसरी स्टेप आपको क्या करनी है, सेकंड स्टेप आपको ये करनी है कि आप जब भी क्वेश्चन सोल्व करें तो वो फॉर्मूले आप वहां पे अप्लाई करें, वो फॉर्मूले आप वहां पे लिखें, वो फॉर्मूले आप वहां पे नोट करें, ठीक है। तब जाके धीरे धीरे एग्जाम के टाइम पे एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि उस टाइम आपको वो सारे फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे जो भी आपने उस पेपर पे लिखे थे, ठीक है। रोज पेपर चेंज करते रहिए, या 30 दिन के बाद पेपर चेंज करते रहिए कि हाँ ये फॉर्मूले, भाई इतना बड़ा 5 रुपए का पेपर आता है, तो कम से कम 5 चैप्टर के फॉर्मूले आप वहां उस पेपर के ऊपर आराम से लिख सकते हैं, सामने चिपकाइए दीवार पे। और मॉर्निंग में जब भी उठें तो उठते ही सबसे पहले उसको रीडिंग कीजिए। कुछ नहीं करना ना, सिंपल सा काम है, सामने देखना है, रीड करना है। सोने से पहले रीड कर लिया, सो गए, सुबह उठे वापस रीड कर लिया। अब क्या होता है, कई बार चाहे तो हम नोटबुक में भी लिख सकते हैं, सामने की दीवार पे चिपकाने की बजाय नोटबुक में भी लिख सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, जो हमारी एक आदत बन चुकी है, सभी स्टूडेंट की बन चुकी है, टीचर्स की भी ऐसी आदत होती है, काफी टीचर्स होते हैं जिनकी एक हैबिट में आ चुका है कि अगर आपने नोटबुक में लिखा है, आपके पास स्टडी रूम है, बेडरूम से स्टडी रूम में जाने के लिए आपको टाइम लगता है, टाइम लगने का मीनिंग ये नहीं कि 2-4 घंटे लगते हैं, आप सोचते हैं कौन जाएगा, छोड़ो ना, बाद में पढ़ेंगे, तब लाइन कर लेंगे, तब रीड कर लेंगे, देख लेंगे, ऐसे करके वो काम छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब वो चीज सामने रहती है तो आप आसानी से उसको लर्न कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं आपको ये वीडियो इसीलिए लेके आया था कि फॉर्मूले लर्न करने में काफी बच्चों को दिक्कत रहती है, काफी बच्चों ने मुझे पर्सनली कॉल भी किया था, और सभी को थैंक यू, क्योंकि हमारे 30,000 प्लस सब्सक्राइबर हो चुके हैं, आप लोगों ने सपोर्ट किया तभी हो पाया, आगे भी सपोर्ट करते रहिए। और एक खास बात मैं आपको बता दूं कि 9th का और 10th का मैं यहाँ पे कोर्स अपलोड करने वाला हूँ, क्लास 9th का 10th का मैथ्स का, ओनली मैथ्स। और अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, आप हमारे आपके एग्जाम पर जो फैमिली है उसको और सपोर्ट करके और बड़ा बनाते हैं, 30,000 से भी ऊपर वो बढ़ती है धीरे धीरे, तो मैं अदर सब्जेक्ट का भी यहाँ पे कुछ टीचर प्रोवाइड आपको करवाने की कोशिश करूँगा। तो तब तक के लिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।